कृष्णन आपके सामने सेवंथ की संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम सुभाषितानी पढ़ते हैं तो इसके हमको वाचन करते अच्छी तरह से आना चाहिए। फर्स्ट पहले हम वाचन करेंगे, प्रतिभ्याम त्रीणी रत्नानी जलमग्न सुभाषितम मोड़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। सेकेंड है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तत्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। थर्ड है, दाने तपसी शौर्य चा विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। फोर्थ है, सब्धि रेव सहासी सब्धि पूर्वी संगतम सब्धि विवादम मैत्री चा नासिद्धिम किंचिदा चरेत। एंड फिफ्थ है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु चा आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। एंड सिक्स है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। सबसे फर्स्ट सु मीन्स होता है सुंदर और भाषितानी मीन्स वचन, सुंदर वचन इसका मीनिंग है सुभाषितानी का। सबसे पहले जब हम सुभाषितानी पढ़ते हैं तो हमको इसका शब्दार्थ अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका अनुवाद अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो फर्स्ट है से स्टार्टिंग करेंगे, प्रतिभ्या मीन्स होता है धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मोड़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च पवन, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सब्धिरेव सज्जनों के साथ, साहसी साथ बैठना चाहिए, कुर्वी करना चाहिए, सब्धिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृति लोके संसार में क्षमा, नासिद्धिम असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रहों में या संचय करने में, त्यक्त लज्ज संकोच या धीरुता, शांति खड़ग शांति की तलवार। अब आइए हम सबसे पहले फर्स्ट का इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पृथिव्यां त्रीणी रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, कौन कौन से हैं तीन रत्न, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। सेकंड है, सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, और सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, वायु सत्य के द्वारा बहती है, और सारा संसार सत्य में ही स्थित है। थर्ड है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यह पृथ्वी कैसी है, अनेक रत्नों वाली है, अतः दान तप शूरता विज्ञान विनय तथा नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फोर्थ है, सब्धिरेव साहसी सब्धि कुर्वेत संगीतम सब्धि विवादम मैत्री च नासिद्धिम किंचिदा चरेत। सज्जन व्यक्तियों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, मीन्स उनके साथ ही रहना चाहिए, और सज्जन लोगों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायां संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवे। धन और धान्य के व्यवहार में, विद्या के संचय के विषय में तथा भोजन और व्यवहार के विषय में संकोच का त्याग कर व्यक्ति सुखी होता है। नेक्स्ट है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस संसार में क्षमा क्या है? वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता? जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। ये बहुत ही सुंदर वचन है, आप लोग को अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए। इसके बाद में सेकंड से एक्सरसाइज आप लोग बुक में देखेंगे। यथा योग्यम श्लोकांचान मेलियर, आपको कुछ श्लोक दिए हुए हैं, गलत तरीके से उसको अपन को करेक्ट करके उसके सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट है धन धान्य प्रयोगेशु, इसका आएगा विद्यायाम संग्रहेशु च। सेकंड है विस्मयो नाही कर्तव्य, विस्मयो नाही कर्तव्य, इसका है बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि। फोर्थ है शब्दे विवादम मैत्री चा ना सिद्धेन किंचिदा चरे। एंड फिफ्थ है आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्ज सुखी भवे। इसके बाद में है एक पदेन उत्तर, प्रतिभ्यां कति रत्नानि, हमने अभी पढ़ा था अनुवाद में कि हमारे तीन रत्न हैं जल अन्न और सुंदर विचार, तो इसका आंसर आएगा त्रीणी। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु, पृथ्वी केन धारयते सत्येन के संगति कुर्वे सब्दी लोके वशीकृति का क्षमा। इसके बाद में है रेखांकित अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु, जैसे आपको अंडरलाइन किया हुआ है आप देख रहे हैं, तो आपसे आपको इससे प्रश्न निर्माण करना है। जैसे फर्स्ट है सत्येन वाति वायु, ये क्या है? एक सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और आपको इससे प्रश्न बनाना है। तो हमको ये सोचना है कि जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो केन क का कस्या किम, ये सब हमको सोच के करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये अपन को सोच समझ के लिखना है कि सत्येन वाति वायु, तो इसके सत्येन के स्थान पर आएगा केन वाति वायु। इसके बाद में है सब्दी एव साहसित, तो इसके सब्दी को हटा के अपन को क्या लिखना है? के वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा को हटा के हमको क्या लिखना है? का। इसके बाद विद्याया संग्रहेशु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, तो इसका आएगा कस्या। इसके बाद सब्दी मैत्रीं कुर्वी, तो मैत्री को हटा के हमको क्या लगाना है? के। अब क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखित पदेशु धातुवा के संति, इसमें एक तरफ पदम है और एक तरफ धातु है। अब जैसे करोति, तो हमने इसका क्या आएगा? करोति का क्र। अब कैसे पहचानेंगे हम कि क्र आया? ये क्या है? लट लकार का है, इसलिए हमने इसको क्र लिखा है। इसके बाद में पश्य, पश्य, तो इसके सामने आएगा दृश्य, ये क्या है? लोट लकार का है, इसलिए हमने इसको दृश्य में लिया। इसके बाद में है भवे, भवे, तो ये क्या है? भू, तो ये लिंग लकार है, इसलिए हमने ये भू के अंतर्गत आया। इसके बाद में है तिष्ठति, तो स्था, तो ये क्या है? लट लकार है, इसलिए ये स्था इसमें आया। तो हमको ये पहचानना है कि क्या लट लकार में है, क्या लोट लकार में है, क्या लिंग लकार में है और क्या लट लकार में है। तो ये आज के लिए ये आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगली कक्षा में अपन कंटिन्यू करेंगे आगे का चैप्टर।